अब बारात भी आएगी, बैंड भी बजेगा। शहर में 85 शादियां मुतासिर होने से बच गई। लाहौर के 29 शादी हॉल्स डी सील करने का हुक्म। मुख्तलिफ मकामात पर बंद शादी हॉल्स के ताले खोल दिए गए। आमिर रोड शादबाग के 7 शादी हॉल्स डी सील। पाकिस्तान मिनट राजपा रोड के 17 हॉल्स भी खुल गए। बागबानपुरा और ताजपुरा के 5 शादी हॉल्स की बत्तियां भी ऑन। आम इशू उठाने पर लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे। बहुत शुक्रिया लाहौर न्यूज का भी, कर्नल मुबशर साहब का भी कि उन्होंने हमारे ऊपर इसकी मेहरबानी की है, उनके भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हम बहुत खुश हैं, शुक्रिया अदा करते हैं लाहौर न्यूज़ का। जिन जिन कारोबार हमें वापस मिल गए हैं, जो हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे थे उनका रोज़गार चल पड़ा है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका मलिक साहब, लाहौर न्यूज़ का, दुनिया न्यूज़ का थैंक यू, शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद हमारे हाल कर्नल मुबशर साहब हो गए और DC साहब भी हो गए, इनका सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ ने जो हमारे साथ एफर्ट की है मिलके, हम अपने टाउन में गए हैं, जाके AC साहब को मिले हैं, उसके बाद CO साहब से मिले हैं, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, आप लोगों ने हमारा बहुत फेवर किया, मेयर लाहौर साहब का बहुत शुक्रिया। शादी हॉल्स को कागजी कार्रवाई के लिए 3 रोज की मोहलत। मालिकान 18 फरवरी तक नक्शे रजिस्ट्रियां जमा कराएं। मेयर मुबशर जावेद 3 रोज में रेगुलराइजेशन के दस्तावेजात पेश करें। कमिश्नर मुश्तबा पराचा, एक अहम इशू पर लाहौर न्यूज ने जगाया, अरबाब इख्तियार को मामला हल करने पर उकसाया। मेयर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर 3 बड़े सर जोड़कर बैठ गए। मुश्तरका इजलास में शादी हॉल्स फौरी खोलने का फैसला किया। आवाम के लिए हॉल्स खोलने का फैसला किया। मेयर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का ख्वाब चकनाचूर। लाहौर में पोलियो के मरीज की तस्दीक। कोट खाजा सईद के रिहायशी 8 माह के बच्चे याशिफ में पोलियो वायरस मौजूद। कौमी इदारा सेहत ने याशिफ में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में रवां साल से अब तक रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 4 हो गई। बाघों के शहर में बूंदाबांदी के बाद धुंध का राज। हद निगाह 100 मीटर तक रह गई। खून की बढ़ने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक आज शहर का मतला जुजवी तौर पर अबर आलूद रहेगा। बारिश का मौसम, हर जगह करंट का खतरा। शहरी बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें। ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ा होने से गुरेज करें। गीले हाथ स्विच को मत लगाएं। लेस्को ने शहरियों और अमले के लिए अलर्ट जारी कर दिया। सर्विसेज के बाद अब एक और अस्पताल। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ को जिना अस्पताल मुंतकल करने का फैसला। मेडिकल बोर्ड और जाती मुआलिज की दरखास्त पर फैसला किया। अस्पताल में तमाम तिबी सहूलियात मुयसर होंगी। नवाज शरीफ के कमरे में अहले खाना को जाने की इजाजत होगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल से अस्पताल मुंतकली के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। जिना अस्पताल की प्राइवेट वार्ड में कमरा तैयार। नवाज शरीफ को आज किसी भी वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की लाहौर न्यूज से गुफ्तगु। पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। 3 शिफ्टों में पुलिस अफसरान एहलकार को तैनात किए जाएंगे। सादा लिबास और एलीट फोर्स के एहलकारों की भी ड्यूटी। एक शिफ्ट में DSP, 2 इंस्पेक्टर्स, 80 एहलकारों को तैनात किया जाएगा। नवाज शरीफ का इलाज नहीं, हुकूमत तंग कर रही है। मियां साहब को दिल का मसला है, सहूलतें चाहिए। जिना में कार्डियक वार्ड है मगर सहूलतें नहीं। मियां नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड इलाज की जरूरत है। हुक्मरान अपने दिल से नवाज शरीफ का हसद निकाल दें। ख्वाजा इमरान नजीर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। अदालत का अपोजिशन लीडर को रिहा करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। रमजान शुगर मिल्स के अलावा कोई स्कीम बनाई, जस्टिस शहजाद का इस्तफसार। दीगर इलाकों में भी ऐसी स्कीमें बनाई। वकील शहबाज शरीफ, जस्टिस मिर्जा वकास राउफ का फिजिबिलिटी के दस्तावेजात बारे इस्तफसार। सारा रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है। वकील का जवाब,
अदालत ने 1 करोड़ के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ की कहीं बददियानती साबित नहीं हुई। वकील आजम तारड़ की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का आज लाहौर आने का भी इम्कान। जो हसब साबिक जो है वो दोनों हाथ और एक टांग उठा के लुड़ियाँ डाल रहे हैं इस पर, वो इतनी खुशी ना मनाए। ये अभी सिर्फ जमानत हुई है, बाकी केस तो चल रहेगा, वो तो चलता रहेगा। जमानत हुई है, रिहाई नहीं, केसेस खत्म नहीं हुए। नून लीग वाले यूं खुशियां मना रहे हैं जैसे रिहा हो गए हों। सूबाई वजीर इत्तेलात फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल, बोले शहबाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। शहबाज और हमजा ने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा। वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद नैब पर बरहम, कहते हैं जब सबूत मुकम्मल नहीं थे तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया, नैब को ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अदालतों का निजाम सबके सामने है, प्रोसिक्यूशन को बहुत मजबूत होना चाहिए। सिस्टम के अंदर बहुत से लकूनेज हैं, इसमें ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ प्रोसिक्यूशन, उसको बड़ा मजबूत होना चाहिए। और ये जो आज का फैसला है, इसके बाद भी जिस तरह आपने कहा बहुत से लोग इस तरह के सवालात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि नैब को भी जो केस बनाने चाहिए उसमें जब तक मुकम्मल तौर पर पूरे सबूत ना हो इस तरह के काम नहीं करते। आशियाना इकबाल स्कैंडल, नैब का हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। अदालत का फैसला मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। नैब जराए, साफ पानी कंपनी केस में भी नैब का हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का फैसला, नकार तैयार है। ऑफशोर कंपनियां बनाने का केस, गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। नैब टीम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। हालत ये हो गई है कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया, कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तेलात फयाजुल हसन चौहान पर जादू हो गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं अगर कोई दम करता है तो हमें भी दम आता है, अल्लाह ने हमें भी कुछ दे रखा है, हम अपनी नस्लों को पालने नहीं आए, जिसका फंड होगा उसी शोबे पर खर्च होगा। अलहमरा में मुन्नू भाई की याद में तकरीब से खिताब। सानेहा साहिवाल, हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म आ गया, साहिवाल ऑपरेशन की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म। सेशन जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट से 1 माह में जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं। अदालत के रिमार्क्स, हनी शाहिदीन के बयानात क्यों कलमबंद नहीं किए गए। चीफ जस्टिस का जेआईटी के सरबराह एजाज शाह पर बरहमी का इजहार। अफसोस की बात है, आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया, क्यों ना आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें, ये कोर्ट ऑर्डर है, अपनी अफसरी न दिखाएं। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान का एजाज शाह से मुकालमा। हाई कोर्ट का मकतूल जिशान के भाई एहतशाम का बयान कलमबंद करने का हुक्म। मकतूल खलील के अलावा हकीन और जिशान का भाई एहतशाम अदालत में पेश। जीआईटी पर अदम एतमानात का इजहार। एहतशाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जीआईटी पुलिस एहलकारों को बेगुनाह साबित कर रही है। जिशान ने अदील हफीज से नहीं, इंटरनेट की वेबसाइट के जरिए गाड़ी खरीदी। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। 22 सैनी शाहिदीन ने फायरिंग करने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों की शनाख्त कर ली। गवाहों ने पुलिस अफसरान की तस्वीर से शनाख्त की। 90% गवाहों के बयान रिकॉर्ड। खुरम नवाज गंडापुर और मदई जवाद हामिद का बयान भी कलमबंद। टैक्स वसूली के लिए FBR की धड़ाधड़ कार्रवाइयां। अंदरून लाहौर खलीफा बेकर्स पर छापा। FBR ने खलीफा बेकर से 1 करोड़ 20 लाख की रिकवरी कर ली। मुगलपुरा नेमत खाना स्टोर वालों की भी खबर, डिपार्टमेंटल स्टोर से 80 लाख की रिकवरी कर ली गई। असातजा और इम्तिहानी सेंटर्स की कमी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का इनेकाद खतरे में पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी तावन नहीं कर रही। तालीमी बोर्ड ने महकमा स्कूल एजुकेशन को खत लिख दिया।
इशारों पर नाचते नन्हे फनकार। रफी पीर थिएटर में आज पुतली तमाशा लगेगा, लोकगीत समेत दीगर परफॉर्मेंसेस भी फेस्टिवल का हिस्सा। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और ऐसा अंदाज़े बयां जिसकी छाप उर्दू अदब पर हमेशा महसूस की जाती रहेगी। उर्दू के गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की 150वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि फारसी जुबान पर भी मुकम्मल दस्तरस रखते थे। आम जिंदगी में दूसरों से अलग थलग तो शायरी में भी इनका रास्ता जुदा था।